सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैक के व्लॉग्स में। सो गाइस, अभी हम लोग मॉर्निंग में आए हुए थे यहाँ पे पार्क में, और बहुत अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में यहाँ पे वॉक कर रहे थे हम लोग दोनों, एक घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ पे बैठे, थोड़ी सी बातें करी और वॉक करा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग सोचते हैं कि आते रहना चाहिए यार, थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्यों आज तो आ गए फाइनल। हाँ, फाइनली हम लोग आए यहाँ पे, और बहुत अच्छा वाइब्स भी बहुत अच्छी आ रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे। और हम लोग एक घंटे पहले आए थे, लेकिन अभी देख रहे हो भाई धूप कितनी तेज हो गई। क्यों है? अभी 8:30 बज रहे हैं, लेकिन सोचोगे कि धूप कितनी तेज हो गई। बहुत ज्यादा ही तेज धूप हो रही है ना। मन ही नहीं करता। तो अभी चलते हैं भाई, महक को भी, फिर घर का भी काम बचा हुआ, तो घर का भी काम करवाना है। काम बचा, सिर्फ चाय पीकर और आ गई थी। हाँ, सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मैं तो महक को बोल रहा हूँ कि चाय वाय भी बंद करो, हेल्दी अच्छी बनानी है ना, तो चाय वाय भी बंद करो। ठीक है, तो पीती हूँ मैं। चाय से सर होता है, मेरी नींद खुल जाती है और सर दर्द जो होता है वो बंद हो जाता है। अब बहुत सारों को आदत पड़ी हुई है चाय वाय की, तो अगर चाय नहीं पीती हूँ ना तो सर हेडेक इतना होता है, समझ में। भाई एक गुड न्यूज है, वो आपको मैं घर चल के बताता हूँ मम्मी के सामने, तो बहुत अच्छी न्यूज है। आप लोग सभी को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों को भी रिसेंटली पता चला है, तो अभी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और मम्मी को भी बताएंगे मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है। चलो चल के देखते हैं भाई, दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। चलो आ जाओ, धूप काफी तेज हो रही है ना। मम्मी इधर, ये चटनी रेडी भी कर ली क्या आपने इतनी जल्दी? भाई देख लो, केरी की चटनी भी रेडी हो गई, क्या बात है। वॉक कर करके थक गए रहे मैं आज तो, और धूप भी इतनी तेज निकलने लग जाती है, फिर मन ही नहीं करता वहाँ पे। आप भी चलना कल से। आप मम्मी एक गुड न्यूज मालूम आपको? क्या? बेट सही, ये रिएक्शन कैसे थे? गुड न्यूज सुनते सर टेंशन में, ये कैसे रिएक्शन थे यार मम्मी? गुड न्यूज की जगह कहीं दूसरा रिएक्शन तो नहीं हो? दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है? डर लगता है मेरे को। क्या डर लगता है? आप डरने वाले में से हो क्या? मैक दो ना गुड न्यूज मम्मी को, बताओ मैं क्या, तुम दो? आप तो अच्छी लगेगी। सोहन भी भाई सो रहा है अभी, बुखार आ गया सोहन को भी, गर्म हो रहा है अभी भी, रात को भी दिक्कत आ गई थी इसको, रात को भी परेशानी हो गई थी। क्यों मम्मी? सोहन है ना, ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई उसकी है। नहीं तो वो इतना तो सर्दी जुकाम की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से गर्मी बढ़ जाती है और ठंडा हो जाता है कभी कभार, ऐसा चल रहा था। शाम को ठंड लगने लग जाती है भाई, और फिर उसके बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग में, हाँ सुबह सुबह और शाम की ठंड रह रही खाली। और बाकी अगर बात करें दिन की, तो दिन में तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि भाई 40-45 डिग्री सेल्सियस पहुँच रही है। हाँ सो मम्मी एक गुड न्यूज है मालूम आपको? एक गुड न्यूज है। हाँ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मतलब क्या है? हाँ बताओ क्या है? आप बताओ। अरे बताओ बताओ, आप बताओ मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं क्या बताऊँ, ये गुड न्यूज तुमको देना चाहिए मम्मी को। मैं मौसी बन गई। हाँ मौसी बन गई मम्मी यार। हाँ मौसी बन गई, और इधर मैं मौसा जी बन गया भाई। हाँ बहुत खुशखबरी है मम्मी। और पता है ये तो इसको मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन ये जो सीक्रेट न्यूज किसी ने दिए ना, तो वो यूँ समझ लो कि इनके रिश्तेदार में से ही कोई है। अब उनका नाम तो यहाँ पे बता नहीं सकते भाई, क्योंकि अगर नाम बता दो तो पूरी बस वही बात है। मान लो कि कभी इन फ्यूचर के कुछ सीक्रेट रहे तो वो भी नहीं पता नहीं चले अभी हम लोगों को। हाँ आगे रहेंगे वो भी नहीं बताया, और उसके बाद उसके ऊपर भी दिक्कत आ जाए ना, क्योंकि देखो यार ये लड़की सपोर्ट कर रही है, लड़का सपोर्ट कर रहा है, बात ही आ जाए ना अगर रिश्तेदारों की, तो फिर तो वो इसलिए, हाँ इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी का नाम रिवील करें यहाँ पे। लेकिन अच्छा है कि कम से कम भगवान का शुक्र है कि उन्होंने बताया हम लोगों को, तो पता चला है। बहुत ज्यादा खुशी हुई, सच में इतनी एक्साइटेड है, मुझे पता चला था रात में कि मैं मौसी बन गई, मुझे यकीन ही हो रहा था कि मैं मौसी बन गई। लेकिन हाँ अभी तक मैंने कोई फोटो वगैरह नहीं देखा, ना ही किसी ने स्टेटस स्टोरी कुछ नहीं डाला, मेरे पास तो कोई फोटो अभी तक आया ही नहीं, बट देखते इन फ्यूचर आए तो। चलो कम से कम खबर तो लग गई, खबर लग गई। चलो इसी
बहाना है, तुम्हारी फैमिली वाले तो खुश रहेंगे कम से कम, मान लो कि उनको बच्चों में मिल जाएंगे। लड़की हुई है लड़का भी, ये क्वेश्चन होगा तो भाई लड़की हुई है, लड़की मतलब हमारे घर में बोला जाता है ना लक्ष्मी का रूप है ये, तो बहुत खुशी की बात है कि लक्ष्मी आई है उनके घर में। तो और मतलब वो कह सकते ना कि मैं किधर आ गई तो वहाँ पे एक लड़की होगी, है ना मम्मी? लड़की में मस्ती मजाक, बच्चा आ जाए, आ जाए घर में तो मस्ती सब चल रहा है, और उदास उदास भी नहीं लगेंगे उनकी फैमिली जो पूरी है तो वो खुश रहेगा बच्चा, है ना? महक की फैमिली के लिए हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार नहीं यार वो बच्चा हो जाएगा तो उनमें घुल मिल जाएंगे थोड़े समय तक, तो जो भी उनको लोग टॉर्चर करते हैं परेशान करते हैं तो वो नहीं करें, बस यही चाहते हैं हम लोगों तो। और हम लोग तो वाकई में बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तो उनको अपना मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। हाँ। क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी वो दीदी है, मेरा भाई है, सबको, तो मेरी दीदी को लड़की हुई है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी मतलब मैं मौसी बन गई हूँ, बहुत ज्यादा खुश। और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेशन भी करते भाई, अभी हम लोग तो के यार देखो हम लोग मौसी मौसा जी बन गए तो बहुत हम लोग सेलिब्रेट भी करते उसको, लेकिन क्या है कि बस वही रिलीजन की बातें हैं लोगों के मन में जो है, ये तो उसको बहुत अच्छे तरीके सेलिब्रेट करते हम लोग और पार्टी देते हैं करते है ना। चलो कोई नहीं, अब क्या कर रहे हैं ये रिलीजन की दीवार है, मतलब खुशी की बात है यार, मतलब तुम्हारी दीदी को लड़का हुआ लड़की हुई तो बहुत खुशी की बात है ना अपने लिए, तो है ना बहुत खुशी की बात है। वो बड़ी हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कि मेरी वो जैसे बोलते हैं ना खाला, हमारे इसमें जैसे मुस्लिम होनों में तो खाला, तो खाला मम्मी तुम्हारी खाला भी है। चलो खैर बस उसके मन में गलत फहमियां नहीं भरे, लोग पॉजिटिविटी ही रखे बस, हम लोग तो यही चाहते हैं। अच्छा हाँ देखो एक और बच्चा आ गया, पता है देखो भग रहा है वो भी, शिवांश रायता लेके जा रहा हूँ। हाँ रायता रखा था फ्रिज में, रायता बांट रहे हो क्या सब? और क्या बांट रहे देख लो, मम्मी ने खुशी में रायता बांट दिए है ना, हाँ चलो अच्छी बात है भाई, हम लोगों को तो सच में बहुत खुशी हुई। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में महक को बधाई जरूर दीजिएगा भाई, क्योंकि ये बहुत एक खुशी वाला पल है, गुड न्यूज है सभी के लिए, हम लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, है ना? सिर्फ महक की फैमिली नहीं, वो हमारी फैमिली भी एक तरह से, भले वो बात करे या नहीं करे वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो उनको दिल से मानते हैं अपना भाई। क्या हुआ मम्मी? ये बोल रहे थे, बोले कि मैं कौन भैया को घर पे भेज दो चाय पीने के लिए। बिल्कुल आ जाएंगे, इतने दिन बाद याद आई। और दीदी एक और गुड न्यूज है मालूम आपको क्या? मैं एक मौसी बन गई। क्या हुआ, गिर गया क्या? आराम से उतर जाओ क्योंकि सीढ़ियाँ बड़ी है यार मम्मी की, है ना? नहीं बच्चों के लिए है, बड़ी अपना के लिए, डर की वजह से मेरे को पकड़ पकड़ के खींच रहा है। हाँ मैं क्या बोल रही, मम्मी ने बात करे थे कि भाभी मम्मी भी जैसे अकेले पड़ गए होंगे, मम्मी कह रहे हैं तुम आ गए तो अब मम्मी अकेले पड़ गए होंगे घर का काम, अब दीदी भी आ गई होंगे अभी, अब उनकी लड़की भी, तो सब मुझे भी मिस कर तो रहे होंगे। क्या वो होती मुन्नी बोलते है ना मेरे घर पे, कि मुन्नी होती तो का सारा काम हो जाता, लड़की मतलब महक होती मेरी बेटी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती सब चीजें, तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि नानी जी आ गए होंगे और दादी तो है ऐसी घर में, ऐसा बोल रही थी, सपोर्ट करने वाले तो बहुत है। लेकिन मेरे भी तुम्हारी बात अलग रहती क्यों मम्मी? मैं होती तो अलग होती बात, मम्मी सोचते होंगे रोते भी होंगे यार मेरी बेटी होती ऐसी दिक्कत नहीं आती संभाल लेती, हाँ जैसे हॉस्पिटल का भी काम पड़ा होगा तो घर में कोई भी नहीं होगा, अगर मैं होती तो मैं घर पर होती, ऐसे है। चलो कोई नहीं, तो पूरी फैमिली वाले सब मिलकर संभाल ही लेंगे, संभाल लेंगे, तो ऐसे बड़ी फैमिली बहुत हमारी तो। स्कूटी की भी सर्विसिंग आ गई थी, हवा कम लग रही है भाई इसमें मेरे को तो ज़्यादा। क्यों मम्मी बुलेट की सर्विसिंग नहीं करवाई ना जब से मैं गया था, जब से है ना नहीं करवाई, तो थोड़ी बहुत तो करवा लेनी थी, सोहन चलाता था ना तो फिर एक्टिवा की भी नहीं करवाई मैं सर्विसिंग शायद, है ना उसकी भी आ गई, उसकी भी आ गई, एक्टिवा की भी आने वाली है, और मुझे लगती है तो मुझे पता नहीं कब आती कब क्या नहीं आती है। सर्विस रिकॉर्ड बुक का है रखी है ना, कितनी कितनी चली थी उसके अंदर मुझे फाइल के अंदर रखी है पता नहीं, पापा ने
तो देखना पड़ेगा उसके अंदर यार कितनी क्या बची हुई सर्विस, दो एक दो बची हुई होगी और क्या। हाँ तो करवा लेना, सर्विस इतनी जल्दी है, गाड़ी इतनी चला ओपन ने, उस एक्टिवा को भी इतनी चलाते हैं, उस लेड को भी ध्यान नहीं रखो, इसलिए करवा लेना। बोलते 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में उसका ऑयल चेंज करवाते रहना चाहिए, अब उसका ऑयल चेंज ही बहुत दिन से नहीं हुआ है, तो जब भी तो वो फिर वो बीच में इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है उसका, तो सर्विसिंग करवानी पड़ेगी उसके। चलो चलेंगे उसको लेके एक दो दिन में। आज क्या बन रहा है? कद्दू की सब्जी। आज तो कद्दू की सब्जी बन गई, चटनी तो बन गई है। हाँ कद्दू, कद्दू ले के रख लिया हमें। आम की चटनी तो बन गई है। हाँ इतनी सारी मिर्च डालोगे क्या मम्मी कद्दू के अंदर? अरे इतनी सारी थोड़ी डालेंगे, फिर जितनी लगेगी उतनी डालेंगे। महक तो बोल रही है कि पूरी डालने वाली है मम्मी, ये महक तो कुछ भी बोल देती है। पूरी डालेंगे तो एक ही बार में काम तमाम, गर्मी पड़ रही है वैसे भी। हाँ बोलो ना। महाराष्ट्र गए थे की नहीं थी वो, आलू की सब्जी बनाई थी, उसमें आलू तो इतने मिर्ची इतनी, और वो राजस्थान वाला एक कपल था हमारे साथ में उस टाइम, तो उन्होंने इतनी सारी मिर्ची डाल दी ना भाई कि उसमें के पेट की तो 12 बज गई मम्मी उस टाइम। क्या मतलब आलू की सब्जी बनाई थी तो आलू तो दो आलू ठीक है, और मिर्ची पूरा मान लो कि पूरी भरा हुआ है ना ये कटोरी, आधा किलो मिर्ची के हिसाब से मान लो। इतनी मिर्ची को डालता है यार? राजस्थान में खाते हैं हम लोग बहुत सारे, इतनी भी नहीं खाते हम, खा के आए। हाँ यार बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, रोटी के बाद में फिर उसमें ठंडा लगा जब जाके शांति मिली थोड़ी सी पेट को। अपन जितनी मिर्ची खाते हैं उतनी राजस्थान में खाते हैं। हाँ एमपी और राजस्थान में एक ही जैसी मिर्ची खाते हैं सबसे ज्यादा। मैंने देखा हमें गुजरात के अंदर बहुत फीकी मिर्ची, गुजरात के अंदर बहुत फीका लगता है, ज्यादा पसंद करते हैं उधर लोग। हाँ मीठा फीका थोड़ा सा, मतलब वो हर चीज के अंदर शक्कर डालते हैं। मैंने सुना दाल लगा, दाल भी बनती है, दाल के अंदर शक्कर डाल रहा है। मतलब 2-3 महीने हम लोग रुके थे ना वहाँ पे, 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि वहाँ बहुत ज्यादा, मतलब अपने को तो फीका फीका लगता है खाना। हाँ अपन चलेंगे ना कभी गुजरात, देखना होगा खाना बहुत फीका। आप तो नहीं गई हो कभी गुजरात? नहीं गई मैं तो। हाँ चलो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। क्या तुम घुमा दोगे तो घूम लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल घुमा देंगे ना, हाँ बिल्कुल घुमा देंगे। चलो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और महक को कांग्रेचुलेशन और बधाई जरूर दीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है बाय बाय।